अरे अपा बहुत खुश है कि अपन का रिश्ता श्रद्धांजलि जी के साथ चुनने को जा रहा है। अरे अपन जब भी पब्लिक के सामने डांस करना चाहता है तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही चाहता है। अरे सेठ अपन तुम कैसा कालो धंधा बंद करेगा हाँ? अरे तुम साले को तो कुत्ते की मौत मारेगा। मेरा नाम बॉबी है और मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का और मिथुन मुझे मैं उनका फेवरेट है मेरे मिथुन चक्रवर्ती। अब बचपन से मैंने उनकी बहुत सी फिल्में देखी। मेरे उस्ताद हैं मिथुन चक्रवर्ती, बहुत पसंद है और मुझे नहीं पता लगा कि मैं कैसे ये टैलेंट मेरे में आ गया है। सर मैंने तो शुरू से कोशिश करता रहा हूँ, बल्कि बड़े स्टूडियोज़ में भी जाता रहा हूँ मैं, एवरन्यू शाहनूर बारी ये सब स्टूडियोज़ में जाता रहा हूँ मैं, और लेकिन मुझे ना काम ही नहीं मिला। जिसको काम आता है या जिसको शौक़ होता है वो अगर बाहर है तो बुरा तो लगेगा ही, और लेकिन चलें देर है दुरुस्त है, अभी भी हम सबके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें काम दिया है। काम करता हूँ लेकिन वो मैं अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं करता, और वो तो उनको तो पता ही है कि ये इसका शौक है, इसको ये मिथुन बहुत पसंद है और ये इसका शौक है और ये करता है। एक्टर बनने का बहुत शौक है, ये नहीं कि मैं मिथुन की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें उसके जैसा बनाया, इतना बड़ा स्टार है वो, और ठीक है मैं खुश हूँ अपनी जगह पर, जैसा भी उसने बनाया ठीक है। बिल्कुल मेरा जो है डंटे बकरा ड्रामा हमने ईद पे आया हमारा, तो उसमें बिल्कुल चेंज हूँ मैं। सब लोग इकट्ठे थे तो उन्होंने कहा नहीं आप मिथुन की बात नहीं बोले, तो मैंने वो बोल दिया तो अच्छा लग रहा था उनको, तो मैंने बोल दिया नहीं तो बिल्कुल चेंज ही उसमें तो। हाँ जी, वो इधर पाकिस्तान में मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे फ़ैन हैं, वो मिथुन चक्रवर्ती को देख कर के मिथुन जैसे लगते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव और जो नेबर्स हैं और जो इधर भी जाए उनको पता कि ये मिथुन चक्रवर्ती लगते हैं और बिल्कुल सेम लगते हैं, और उनके में टैलेंट भी बहुत है, डांसेस बिल्कुल वैसे कर सकता हूँ और वैसे ही पूरा कंप्लीट जो है ना टैलेंट है मेरे में, एक्टिंग भी वैसे, आवाज़ भी मुझे नहीं पता लगे कैसे, आवाज़ भी वैसे ही आ गई।